कि इट्स नॉट अ जेनरेशन गैप, इट्स अ कम्युनिकेशन गैप. अगर हम कम्युनिकेट करेंगे, अगर वो गैप को फिल कर लेंगे तो देन देयर इज नो प्रॉब्लम, वी आर वन फैमिली. तो हम हर एक का नज़रिया समझ भी पाएंगे और अपना समझा भी पाएंगे. डर के आगे जीत है बेसिकली. वो डर के आगे झूठ है, एक मेरे हिसाब से कहानी बन जाती है कि आप वो फियर क्रिएट करके ना रखें अपने किसी भी जनरेशन में. अनिल, आपकी जनरेशन क्रैंकी क्यों है? क्रैंकी तो आई थिंक हर जनरेशन, हर जनरेशन अपने ओन वे में है. सबको किसी ना किसी बात का तो कुछ ना कुछ होता ही है. मैंने क्योंकि ये फिल्म देखी है, एक बार नहीं देखी, दो बार देखी जी, मुझे इस फिल्म से प्यार हो गया. थैंक यू. मैं मिडिल एज में हूँ, राजेश जी के डोनर में हूँ जी. तो हम वो जनरेशन है जिसने पिताजी के भी पाँव दबाए और बच्चों के भी दबा रहे. करेक्ट. आपकी जनरेशन में सिर्फ जो मुझे लगता है उसका मैं एक्सप्लेनेशन आपसे चाहता हूँ कि हम अपनी समस्याएं पेरेंट्स के पास लेके भी नहीं जाते. राइट. तो ऐसा क्यों होता है? हम अपनी समस्या का हल इंटरनेट से ढूंढते हैं या अपने फ्रेंड सर्कल से ढूंढते हैं, पिताजी दादाजी. इस फिल्म में भी आपने देखा है दादाजी का प्यार तब आता है. Correct. जब आप उन पर ट्रस्ट करते हैं. Correct. और फिर वो भी आपसे सीखने को तैयार है, जब मोबाइल चलाना हो, जब बहुत सी चीजें इसमें मौसम बैठा है जी. जस्ट एक छोटा जी, आई थिंक हमारी फिल्म इसी इशू को टैकल करने के लिए बनी है कि इट्स नॉट अ जेनरेशन गैप, इट्स अ कम्युनिकेशन गैप. तो आई थिंक काफ़ी लोग मेरे एज के जो होते हैं, अराउंड माई एज, उनको लगता है कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स हमारी बात समझेंगे ही नहीं. बट अगर आप उनसे कभी बात नहीं करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो शायद समझ ले. सो आई थिंक दैट्स द होल पॉइंट ऑफ द फिल्म कि जेनरेशन गैप बिल्कुल नहीं है, सिर्फ एक कम्युनिकेशन गैप है. तो मैं सभी को इनक्रेज करूँगी कि आप अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा और टाइम निकालिए, बैठिए उनके साथ, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बैठिए. बिकॉज जो सीख आपको उनसे मिलेगी ना, आपको लाइफ में और कोई भी नहीं दे सकता. बिकॉज आई डोंट थिंक आप जितने भी फ्रेंड्स, अपने जान पहचान के ट्रस्टवर्दी किसी को भी कुछ भी अगर आप उनसे एडवाइस लेना चाहे, आप अपने खुद के फैमिली जितना प्यार आपको कोई नहीं कर सकता. अपने लाइक देव गॉट योर बैक हमेशा हमेशा. I'm glad ये आपके पास से सब चीज़ें आई. आप क्या कहना चाहेंगे नई जनरेशन को, नई पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को, कैसे कनेक्ट करें अपने एल्डर्स? मेरा ख्याल है इसमें दोनों तरफ से कोशिश होनी चाहिए. मसला शायद आज के यंगस्टर्स का ऐसा है कि उनके पास बहुत से जवाब मुहैया हैं, अवेलेबल हैं, इंटरनेट को लेकर के, गूगल को लेकर के, बाकी और कई सोर्सेज हैं जहाँ से उन्हें ऐसा लगता है कि हमें इसका जवाब मिल सकता है. कहीं ना कहीं वो गलत नहीं है, सही भी है. लेकिन जो तजर्बा माँ बाप का है या दादा दादी का है या बुज़ुर्गों का है, उनके तजर्बे से वो चीज़ें हासिल हो सकती हैं जो शायद इंटरनेट या गूगल पे मुहैया नहीं होंगी. सो दोनों का मिश्रण होना चाहिए, दोनों का मिलन होना चाहिए, जिससे दोनों जनरेशन एक दूसरे से सीखें. इससे सबसे बड़ी बात है कि ट्रस्ट पैदा होता है, नज़दीकी पैदा होती है, परिवार का टुगेदरनेस पैदा होता है. तो ये कोशिश सब तरफ से होनी पड़ेगी, सिर्फ एक तरफ से नहीं. ना सिर्फ यंगर जनरेशन से, ना मिडिल वाली जनरेशन से, ना थोड़ी बुज़ुर्ग जनरेशन से, सबको मिल के ये बात मानना पड़ेगी और समझना पड़ेगी कि अगर हम कम्युनिकेट करेंगे, जैसा कि अंजनी ने अभी कहा, अगर हम कम्युनिकेट करेंगे, अगर वो गैप को फिल कर लेंगे तो देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम, वी आर वन फैमिली. तो हम हर एक का नज़रिया समझ भी पाएंगे और अपना समझा भी पाएंगे. आपने तो 40 लोग का, 50 लोग का परिवार भी देखा. हमारे दो की जनरेशन फ्लैट में आ जाना कोई है ही नहीं. पहले तो चाचा मामा कौन कौन डांट देता था बच्चे को, किसकी गलती कौन सुधार देता था जी, ये भी नहीं पता था परिवार को. अभी सीधा फोकस हो गया माँ बाप के, रहेंगे कैसे इस चीज को दूर किया जा सकता है? मैं यही अर्ज़ किया आपसे कि एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके, मैं अपनी तरफ से कोशिश करके, मतलब सब जनरेशन, सिर्फ एक जनरेशन नहीं, सिर्फ ये जिम्मेदारी यंगस्टर्स के ऊपर नहीं होनी चाहिए. ये जो यंगस्टर्स हैं, उसके बाद की जनरेशन है, उसके बाद की जनरेशन है, और जहाँ कहीं भगवान की कृपा से उसके बाद की जनरेशन भी है, उन सबको आपस में कोशिश करना पड़ेगी. अगर कोशिश करेंगे और शुरू से ही ये सिलसिला जारी रखेंगे तो डिस्टेंस बनेगा ही नहीं. और अगर ये चीज़ हमेशा याद रखेंगे, जो मेरे लिए बहुत अहम है, कि जो आज की जनरेशन है, जो आज का यंगस्टर है, यकीन मानिए वो बाकी जनरेशन से ज़्यादा जानता है.
और इसलिए ज़्यादा जानता है कि उसके पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा है। एक चीज़ की कमी है एक्सपीरियंस की, वो तजर्बा एक्सपीरियंस विजडम जो है वो अपने बुज़ुर्गों से हासिल किया जा सकता है। और बुज़ुर्गों को चाहिए या बड़ों को जो उम्र में बड़े हो गए हैं उनको ये चाहिए कि इस जनरेशन की एनर्जी, इस जनरेशन की इंफॉर्मेशन, इस जनर की स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन, उसको एक अलग लेवल पर पहचाने और अपनाने की कोशिश करें। पटना में रह रहे दादाजी जब विदेश जाते और जब कुछ बेटी से जो उनका वार्तालाप होता है, कुछ चीज़ों का उनका त्राज होता है देख के, जब वो सीखने की इच्छा जताते हैं, कितना मायने रखता है कि जब आप अपना शहर छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं तो कितना लर्निंग प्रोसेस में किस एज में जाके वो चीज़ मदद करती है? मुझे लगता है कि इसमें संजय का बहुत बड़ा हाथ है इसको तराशने में, इस स्क्रिप्ट के अंदर। उन्होंने इस इंसान को जो मेरा कैरेक्टर उन्होंने बनाया है उसको एक प्रोफेसर बनाया है। उनके अपने वालिद साहब भी प्रोफेसर हैं, रहे हैं, मेरे फादर भी प्रोफेसर थे। तो प्रोफेसर्स के अंदर एक बड़ी कमाल की क्वालिटी होती है कि वो यंगस्टर्स के साथ काम करते हैं तो उनके लिए बड़ा आसान होता है यंगस्टर्स से रिलेट कर पाना, और एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं इसलिए ये भी आसान रहता है कि हम सीखें और सिखाएं। सिखाते तो वो हैं ही, लेकिन मेंटली कहीं ना कहीं इस बात के लिए भी तैयार होते हैं कि अगर कोई सिखाएगा तो हम और भी सीख के उसको इम्पार्ट करेंगे। तो हमारी कहानी के अंदर एक इमोशनल मोमेंट है जहाँ पे ये आदमी एकदम अकेला हो गया है और पोती जो है वो अपने आप को जिम्मेदार समझ रही है जो कुछ हुआ है उसके लिए, एंड शी इज़ ट्राइंग टू कम्युनिकेट अपने दादा के साथ। और उसको फिर एहसास होता है कि वाकई वो बच्चा कोशिश तो कर रहा है अपनी तरफ से, मैं ही क्यों एक अड़ियल घोड़े की तरह बैठा हुआ, लेट मी ट्राई एंड सी जनरेशन फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये एक एजुकेटेड इंसान होने का, एक पढ़े लिखे इंसान होने का, एक ऐसे इंसान होने का जो तालीम दूसरे लोगों तक पहुंचाता है, ये कैरेक्टर जो उन्होंने क्रिएट किया उसके अंदर, मेरा ख्याल है ये बड़ा सटल और क्वाइट कैरेक्टराइजेशन है इस इंसान का जो सिखाने के अलावा सीखने को भी तैयार है। इनफैक्ट बहुत हद तक तो सारा जवाब पंकज सर ने बहुत तरीके से उसको दिया है। मतलब उसी चीज़ को अंडरलाइन करूँगा कि वो कम्युनिकेशन वाली जो बात है वो डेफिनेटली आई थिंक कि इस पूरे फिल्म का एक फिल्म की बुनियाद है और इसी के ऊपर सारी कहानी है। अब मुझे लगता है कि सीखने सिखाने के लिए आपको अपने ऊपर काम करने की ज़्यादा आवश्यकता है, बशर्ते कि आप सामने वाले के ऊपर काम करें। कहने का मतलब यह है कि आजकल के जो बच्चे हैं वो आपसे कुछ सीखते नहीं हैं, वो या तो सीधा सीधा आपको कॉपी करते हैं, वो इमिटेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर वो सुधार रखना पड़ेगा कि भाई मुझसे अगर मेरा बच्चा सीख रहा है मुझे देख करके, तो मैं ऐसी क्या चीज़ ना करूँ या ऐसी क्या चीज़ करूँ कि वो इस चीज़ को कॉपी ना करे। जैसे मेरे अपने पिताजी से कई बार हंसी मजाक में बातचीत होती है, बोलते हैं कि तुम तो हमसे कुछ सीखे भी नहीं हो। हम बोले हम वो सीखे हैं कि हमको क्या नहीं करना है। तो कई बार आप ये भी सीखते हैं कि आपको जीवन में क्या नहीं करना है। बट आई थिंक ये एक जो पंकज सर ने जब ये ट्रेलर लॉन्च हो रहा था उस समय बड़ी अच्छी एक बात बोली थी। शुरुआत ही इन्होंने कहा था कि हम ह्यूमन हैं, यू नो, इंसान हैं। सो आई थिंक कि वी शुड नॉट फॉरगेट दैट पर्टिकुलर थिंग कि ये बींग ह्यूमन इज़ अ ब्लेसिंग, बिकॉज हमारे अलावा और कोई क्रीचर नहीं है जो सोच सकता है, समझ सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है या किसी भी भाषा में बात कर सकता है। सो अगर वो थॉट हमेशा हम अपने साथ रखें, ये कोई स्पिरिचुअल ज्ञान नहीं है, बट वो थॉट हमेशा अपने साथ रखें, उसमें एक बहुत अच्छी चीज़ मिलती है हमें। मतलब प्रकृति ने खास करके हमारे साथ बहुत अच्छा एक तार जोड़ा हुआ है जिसमें बोलते हैं कि हम इंक्लूसिव नेचर के हो सकते हैं, जहां हम सब चीज़ को अपना सकते हैं। अगर वो इंक्लूसिव नेचर हर इंडिविजुअल आदमी करने लगे तो कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेशन गैप जो है वो ख़त्म होता है। एक जर्नलिस्ट ने पूछा भी था मुझसे कि आप अपने बच्चों को मतलब क्या ऐसा सिखाते हैं या क्या नहीं सिखाते हैं वाली बात हुई थी। तो मैंने, मेरा यही जवाब था कि जो ये कहानी है ना कि डर के आगे जीत है, बेसिकली वो डर के आगे झूठ है, एक मेरे हिसाब से कहानी बन जाती है
कि आप वो फियर क्रिएट करके ना रखें अपने किसी भी जनरेशन में, देन आई थिंक कि वो वॉल जो है ना, वो बाउंड्री जो आप क्रिएट करते हैं खुद, कि देखो मैं बाप हूँ, या देखो मैं दादा हूँ, या देखो मैं ये हूँ, अगर हम उस रोल से थोड़ा सा हट करके एक इंक्लूसिव नेचर में बीइंग ह्यूमन का एक फ़ायदा उठाएं, तो आई थिंक कि कम्युनिकेशन विल लीड टू ऑल काइंड ऑफ जो जद्दोजहद है, उन सब चीज़ों से हम ऊपर उठ सकते हैं। आई थिंक कम्युनिकेशन एक ऐसा चीज़ है जो एक टू वे स्ट्रीक है। आपको भी, आपके पेरेंट्स को भी आपको उतना ट्रस्ट दिलाना पड़ेगा कि अगर मैंने अपनी मम्मी से ये बात कही, मेरे को चाटा नहीं मिलेगा, मेरे को हेल्प मिलेगी। आई थिंक वो फेथ भी अपने पेरेंट्स को, अपने पेरेंट्स के साथ रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आज मैं कोई भी शायद प्रॉब्लम में हूँ, मम्मी शायद गुस्से भी हो, बट इतना ट्रस्ट मेरी मॉम के साइड से भी होना चाहिए कि मैं मॉम को इतना ट्रस्ट कर सकती हूँ कि पहला नाम जो मेरे माइंड पे आएगा वो मेरी मम्मी या डैडी का आएगा, कि मैं उनको जाके ये प्रॉब्लम बताऊँ। एंड डांटेंगे, एंग्री होंगे 100%, बट वो सोल्यूशन देंगे भी। काफ़ी पेरेंट्स आई थिंक अपने बच्चों के साथ इतना स्ट्रिक्ट हो जाते हैं डैट बच्चे फिर सोचते थे मम्मी डैडी को बताऊँगा या बताऊँगी तो गए काम से। जी वो म्यूचुअल एफर्ट है सब जनरेशन के आपस में, और ट्रस्ट एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। नहीं, मतलब मेरा कहना यही रहेगा कि कम्युनिकेशन बरकरार रखें और वो प्यार और ट्रस्ट अपने बच्चों में भी बांटें और अपने आसपास के लोगों में भी बांटें, ताकि अगर ज़रूरत महसूस हो किसी भी जनरेशन, मतलब सिर्फ अपने ही परिवार में नहीं, आसपास के अड़ोस पड़ोस में भी लोग ऐसे हों जो अगर ज़रूरत पड़े तो आपके पास आएँ और आप उनकी बात को समझ के, उनका ट्रस्ट हासिल करके और अपना ट्रस्ट उनमें इन्वेस्ट करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, तो बहुत मुश्किल नहीं है कि ख़ास तौर पे परिवार के अंदर या क्लोज नेट एटमॉस्फेयर के अंदर ये ट्रस्ट पैदा किया जा सके और लोग एक दूसरे से मदद ले सके किन्हीं भी हालात, भले वो किसी भी जनरेशन का इंसान क्यों ना हो।